नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे पिंक सिटी 360 की। जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने दी गिरफ्तारी, पुलिस नेताओं को गिरफ्तार करके ले गई। विद्याधर नगर थाने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी गिरफ्तारी। मंत्री हिमा राम चौधरी और परसादी लाल मीणा ने भी गिरफ्तारी दी। जयपुर में इनसो के 20वां स्थापना दिवस पर हजारों युवा इसके साक्षी बने। कई राज्यों के युवाओं ने स्थापना दिवस में हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की। बड़ी खबर, सरपंचों का आंदोलन बटा दो धड़ों में। पूर्वी राजस्थान के सरपंच आए मंत्री रमेश मीणा के समर्थन में। कहा मंत्री रमेश मीणा हैं स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता। जानबूझकर रमेश मीणा के खिलाफ बनाया जा रहा है माहौल। काफी तादाद में रमेश मीणा के समर्थन में जयपुर में जो सरपंच है वो यहाँ पर नजर आए। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के 9% ब्याज के साथ लगातार हो रही कटौती का विरोध कर कार्य बहिष्कार किया। आपको बता दें कि पूर्व में कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना देकर ज्ञापन दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। इसी के चलते कर्मचारी संघ ने यह कदम उठाया। वर्तमान में जो स्थिति बनी है, मैं समझता हूं इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। हम लोगों को छात्र संघ चुनाव का रणघोष शुरू हो गया है। छात्र नेता विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अपना दमखम दिखाने लगे हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर। छात्र संघ इंडिया न्यूज ने जानी स्टूडेंट्स की राय। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ही छात्र नेता अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का नजारा देख सकते हैं कि किस तरह जगह जगह पोस्टर बैनर लगकर जो है छात्र छात्राओं से समर्थन की मांग की जा रही है, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। लगातार छात्र नेता भी मांग करने में लगे थे कि राजनीति में अपना भविष्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की जाए। घोषणा के बाद अब छात्र नेता देख सकते हैं किस तरह दमखम दिखाने में लगे हैं। क्या लगता है कितना जरूरी छात्र संघ चुनाव मानते हैं? पिछले साल 2 साल से कोविड की वजह से छात्र संघ चुनाव बंद हो गया, उसको मानते हुए गहलोत साहब ने चुनाव करवाए। और छात्र संघ चुनाव इतने से जरूरी है कि छात्रों को मदद मिल जाती है विश्वविद्यालय में। अगर छात्र संघ अध्यक्ष नहीं रहेगा तो छात्रों की मदद कौन करेगा, इसलिए पत्र बनना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए राजनीति की पहली सीढ़ी है और छात्र नेता भी मांग रहे थे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री घोषणा करे। क्या लगता है जिस तरह विश्वविद्यालय को बदरंग किया जा रहा है, क्या इसी तरह छात्र संघ का चुनाव का प्रचार किया जाना संभव है? देखिए, राजनीति की प्रथम सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, और छात्र संघ चुनाव में जब मतदाता विद्यार्थी अगर कॉलेज कैंपस में आएगा ही नहीं, कक्षाएं जब नियमित रूप से नहीं लगेगी, तो छात्र नेता अपना प्रचार करे कहाँ। और इसी वजह से उसको जगह जगह पोस्टर्स लगाना पड़ता है विश्वविद्यालयों में या जे ऐसे स्थानों पर जहाँ वो मानता है कि यहाँ विद्यार्थी रहता है, उसके आसपास के इलाकों में वो पोस्टर लगाकर विद्यार्थियों को ये बताना चाहता है कि मैं छात्र संघ के चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे ये मुद्दे हैं और इन विषयों के आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा और आप लोग आकर मुझे मदद करें। इसी वजह से छात्र संघ चुनाव के जो पोस्टर्स और बैनर्स हैं वो विद्यार्थियों को बताने के लिए कैंपस के बाहर लगाए जा रहे हैं, कैंपस के अंदर लगाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कैंपस में कक्षाएं नहीं चलेंगी, कक्षाओं में विद्यार्थी नहीं आएगा, तो छात्र नेता या छात्र संगठन अपनी बात रखे कहाँ। और जब छात्र संगठन अपनी बात रखने के लिए विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो वो इसी तकनीक का सहारा लेगा। और इसी वजह से विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि कॉलेज के कैंपस में कक्षाएं नियमित। लगता है 20 तारीख जो है छात्र संघ चुनाव की घोषित कर दी है, लेकिन अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जो छात्र यहाँ पे एडमिशन लेने आए हैं उनकी में भी संचय बना है, क्या वो वोट दे पाएंगे या नहीं? हालांकि लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की जा रही है कि प्रवेश प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करता है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। आज जयपुर विकास प्राधिकरण का स्थापना दिवस है। इस मौके पर जेडीए आयुक्त रवि जैन ने पौधारोपण किया, साथ ही जेडीए की
उन्नति और शहर के विकास की कामना को लेकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जेडीए सचिव उज्जवल राठौर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेडीए जयपुर नगर के विकास हेतु राज्य सरकार की एक स्वायत्त शासी संस्था है। हेरिटेज नगर निगम के सतर्कता दस्ते की टीम गुरुवार को घाट की गुनी में कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन जैसे ही निगम दस्ते में कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। पर इस बीच कुछ लोगों ने पथराव भी किया, जिससे निगम की एक गाड़ी का शीशा टूट गया। निगम अफसरों के अनुसार घाट की गुनी में ठेले वालों ने रास्ता रोक रखा है। जयपुर में दधीच महिला मंडल की ओर से होटल ग्रैंड सफारी में लहरियो उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन गिरजा शर्मा, कुसुम शर्मा, कविता दधीच और स्वीटी दधीच के संयोजन में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला मंडल की एकता का प्रदर्शन था। आयोजन समिति से जुड़ी सरिता दधीच ने कहा है कि ये आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सिर्फ ये याद दिलाना है कि वो सब बहुत विशेष है, एक ताकत है जिस पर आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। समारोह की मुख्य अतिथि मंत्री ममता भूपेश, विशिष्ट अतिथि समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रचना शर्मा रही। आयोजन के दौरान फैशन डिजाइनर पूजा राणावत की शानदार उपस्थिति रही। भामा शाह, मनीषा कुदाल, सरिता शर्मा, चित्रा दधीच, विजेता जोशी, अनिता शर्मा ने प्रतियोगिता के विजेताओं को जयपुर में आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान ने SMS मेडिकल कॉलेज के 200 भावी चिकित्सकों के लिए 4 दिवसीय यूथ एम्पावरमेंट एवं स्किल वर्कशॉप का आयोजन किया। स्टेट यूथ मेंटोर एवं प्रशिक्षक विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यशाला में भावी चिकित्सकों ने सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया। वहीं कई प्रतिभागियों ने साझा किया कि मात्र 3 दिन में ही तनाव कम हुआ है और एकाग्रता बढ़ी है, साथ ही नींद अच्छी आने लगी है। जयपुर में माई इंडिया फाउंडेशन ने प्रदेश की 10 प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ये नामचीन शख्सियत काम कर रही हैं। वहीं सम्मान कार्यक्रम में बिसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव समेत समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन और डॉक्टर अर्चना शर्मा और माई इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष तेजपाल सिंह यादव सहित प्रदेश की गणमान्य हस्तियाँ मौजूद रहीं। फाउंडेशन ने आज जो है एक प्रोग्राम आयोजित करके कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं, 4-5 सेक्टर, उनमें अच्छा काम करने वाले लोगों को जो है वो अवार्ड दिया है। इस तरह के मैं चूंकि वन विभाग से हूं, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट को, वनों को बचाना केवल कर्मचारियों का या सरकार का काम नहीं है और नहीं बचा सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उतना मैन पावर नहीं है कि जो है वो इनको बचा सके। तो एक मैसेज पब्लिक को जो है ज़रूरी है, उसको साथ लेना है। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उससे पब्लिक को जो अवेयरनेस होती है और पब्लिक लोगों के साथ जुड़ती है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं जैसे 2004 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ और 2004 से अभी तक 18 साल हो गए मेरे को। मैं वाइल्ड लाइफ में ही मैंने अभी मेरी पूरी जो है वो सर्विस दी है। वाइल्ड लाइफ की नौकरी जो है वो काफ़ी टफ होती है, चूँकि 24 घंटे उसमें सेवाएँ देनी पड़ती हैं। तो बाकी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो वाइल्ड लाइफ में जाने के ज़्यादा इच्छुक नहीं होते हैं। मैं 10 साल जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व में रहा। कुछ एक ऐसे एरिया थे जहाँ पे जो कटान होके और जो है दिल्ली या हरियाणा में उस लकड़ी, काला खैर की लकड़ी जो है वो तस्करी होती थी, वहाँ पे मैंने काम किया 5 साल। और जो है उसके बाद हैबिटेट इम्प्रूवमेंट हुआ तो वहाँ पे टाइगर रहने लगे। अभी उस एरिया में 4-5 टाइगर रह रहे हैं और करीब 12-13 साबक टाइगर के वहाँ पर पैदा हुए हैं। मैं पिछले जो है 4 साल से झालाना लेपर्ड रिजर्व में रेंजर के पद पर पदस्थापित हूँ। और जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तब प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत हुई थी 2018 में। उस टाइम पे जो है यहाँ पे लेपर्ड्स की संख्या करीब 20 के करीब थी और वर्तमान समय में जो है वो 3-4 साल का जो हम लोगों ने एक पूरी टीम ने जो काम किया, वर्तमान समय में वहाँ पे लेपर्ड्स की संख्या करीब 44 के करीब है। तो और मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा इनको। और इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो पूरी पब्लिक को एक मैसेज जाता है। तो ये
जयपुर के आमेर स्थित सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी की ओर से हर घर झंडा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। वाहिनी के कमांडेंट आशीष कुमार के नेतृत्व में आरक्षित वाहिनी से आमेर सागर झील से आमेर किले तक रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर झंडा फहराने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। तिरंगा रैली में आमेर महल अधीक्षक सहित स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। विनायक जाया है भारत माता की, भारत माता की। जवाहरात गद्दी में 1 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें कि टीम ने मुख्य सरगना सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और 40 किलो जेवरात भी बरामद किए हैं। डीसीपी नॉर्थ पारिस देशमुख ने बताया कि 25 जुलाई को परिवादी राजेश मोदी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 15 किलो चांदी के जेवर, कीमती सामान चोरी की बात कही गई थी। वहीं बदमाश चोरी के दौरान सीसीटीवी तोड़कर डीवीआर भी चुरा ले गए थे। जयपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, डकैती डालने के लिए आए थे सभी बदमाश। करधनी थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा पहुंचे मौके पर। पुलिस को देख बदमाशों ने दौड़ाई कार। इस दौरान पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की। एक बदमाश ने एसएचओ पर तान दी लोडेड पिस्टल। पुलिस ने मशक्कत कर सभी बदमाशों को दबोचकर 4 शातिर बदमाशों को मौके से किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल समेत कारतूस भी बरामद किए गए। जयपुर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। बरसात के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। जयपुर की प्रियल शेखावत ने पिछले दिनों दुबई में आयोजित होट मोंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 11 में मिसेज रेडियंट का खिताब अपने नाम किया। खिताब जीतने का श्रेय वो अपने पिता और माता पिता को दिया है। प्रियल शेखावत की इस कामयाबी पर राजस्थान के अलावा पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है। देखिए, ये है जयपुर की प्रियल शेखावत। पिछले दिनों दुबई में आयोजित हॉट मॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 11 में मिसेज रेडियंट का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने ये खिताब जीत के अपने परिवार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया। प्रियल ने शादी के बाद अपनी जीत का श्रेय अपने पति और माता पिता को दिया। एचआर प्रोफेशनल प्रियल शेखावत ने कहा कि मैंने पहले भी मॉडलिंग में कई टाइटल और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मॉडलिंग का भी शौक था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने कुछ दिनों के लिए मॉडलिंग से दूरी बना ली थी। प्रियल शेखावत ने इसके लिए ऑनलाइन ऑडिशन दिया था। कई बार इंटरव्यू होने के बाद उनको सिलेक्ट किया गया। I strongly believe that I am a woman and that is my superpower. The universe is limitless and so am I. It has been my hidden desire to become the face of Rajasthan's womanhood for becoming that change which represents new India where women are free to pursue their dreams, passion, career and life. Thank you so much everyone. Enjoy the evening. Thank you. उनके माता पिता बेटी को मिली कामयाबी पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटा बेटी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बेटियों में किसी तरह की लगन है तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। लड़कियां एक नहीं दो परिवारों की खुशियां होती हैं। छोटी बिटिया है जो जिन्हें इंजीनियरिंग की है, इनके हस्बैंड एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हैं। अभी बिटिया ने मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में बताया, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसने देहरादून में ट्रेनिंग ली, वहाँ सेलेक्ट हुई, उसके बाद दुबई जाने का मौका मिला। इससे बढ़ के मेरे लिए कोई प्राउड की बात नहीं हो सकती। हम पूरे परिवार वालों ने, हमारे
समझी जी वगैरह ने, सबने, दवाई साहब वगैरह ने सबने सपोर्ट किया और बिटिया ने ये रेडियंट का खिताब हासिल किया। प्रिया शेखावत के दुबई में खिताब जीतने पर राजस्थान के अलावा उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चोमू के रेनवॉल रोड लक्ष्मी पैराडाइज गार्डन में बड़ा हादसा हो गया, जहां विद्युत विभाग के एफआरटी टीम का हेल्पर विद्युत पोल पर चढ़कर तारों को दुरुस्त कर रहा था। इसी दौरान विद्युत पोल अचानक टूटकर सड़क पर जा गिरा और वहीं इस सड़क से गुजर रहे मोटरसाइकिल पर सवार दो जन इसकी चपेट में आ गए। वहीं मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस घटना में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। रेनवॉल के डूंगरी में आम रास्ते बरसात के सीजन में पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी इस कीचड़ में से होकर गुजरना पड़ता है। इस संबंध में लोगों ने स्थानीय पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन पंचायत प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के आंधी थाने में सीएलजी की बैठक हुई। इस दौरान वृत्ताधिकारी शिव कुमार भरद्वाज ने आए हुए सदस्यों को आगामी त्यौहार पर आपस में प्रेम और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। शिव कुमार भरद्वाज ने त्यौहार पर अधिक से अधिक सूचना पुलिस जाप्ता लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।